हापुड़ में सोमवार को कांग्रेस जनों ने देश के पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को नेहरू जी की जयंती अतरपुर चौराहे स्थित नेहरू प्रतिमा पर मनाई। इस दौरान कांग्रेस जनों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें याद किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को याद करते हुए शहर कांग्रेस अध्यक्ष अभिषेक गोयल ने कहा कि देश की आज़ादी के बाद नेहरू जी आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। जब नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे तब देश में लोगों के पास कोई संसाधन नहीं थे। देश की आज़ादी के बाद उस वक्त देश में सुई तक नहीं बनती थी। आज उस देश में ITMs जैसे संसाधनों को देने का काम पंडित नेहरू जी ने किया है। उन्होंने कहा कि नेहरू जी आज़ादी के बाद भारत के लिए सपना देख रहे थे। आज उस सपने को साकार करने के लिए राहुल गांधी जी देश में भारत जोड़ो यात्रा के जरिए देश के लोगों को आपस में जोड़ने का काम कर रहे हैं। महासचिव आदरणीय श्री बदरुद्दीन कुरैची, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिवस की और बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि जिस प्रकार हमारे नेता राहुल गांधी जी ने प्रण लिया है वो हमारे ऐसे नेताओं का ही सिखाए हुए संस्कार है जो हम भारत जोड़ो यात्रा को लेकर निकल पड़े हैं और उसको पूरे भारत को एक करने का काम कर रहे हैं। देखिए जो इस देश के हालात हैं वो आप लोगों से छुपे नहीं हैं। देश में जैसी विषम स्थिति चल रही है और आगे देखने को मिल रही है हमें एक बार पंडित जी के चरणों में नमन करते हुए प्रण लेने की आवश्यकता है कि उनके संस्कारों पर चलकर उनकी बताई हुई नीतियों पर चलकर हमें एक बार फिर एकजुट होकर काम करने की जरूरत है। मैं बहुत ज़्यादा ना कहते हुए हमारे बीच में वक्ता बहुत है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वतंत्रता सेनानी भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। और जिस प्रकार अभी हमारे प्रिंसिपल साहब ने बताया कि नेहरू जी ने क्या काम किए, दरिश्ते में बनकर आए और उन्होंने कभी एक उनसे वो रही कि उन्होंने जो कहा कि उनकी बैरिस्टर वकालत नहीं चली ऐसा नहीं था। जिस समय वो वकालत कर आए तो उस समय इस देश में हालात बड़े विकट थे। अंग्रेज़ों के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हो चुका था और उसमें उनकी भागीदारी जब उन्होंने शुरू की तो उन्होंने अपनी वकालत को अलग रखकर भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ने में योगदान देना शुरू कर दिया और इस देश को जिस समय इस देश में अंग्रेज यहाँ से गए तो कुछ नहीं था। उन्होंने इस देश को आगे उनकी जो नीति थी, उनकी सोच थी, उस सोच का परिणाम है कि अभी विगत दिनों हिंदुस्तान ने एक रिकॉर्ड बनाया कि 1,250 सैटेलाइट एक साथ हमारे हिंदुस्तान से छोड़े गए। उसमें कई देशों के वो उपग्रह थे तो एक उन्होंने इतिहास बनाया। वो उन्हीं की सोच थी कि आज विदेश के लोग भी यहाँ आकर अपने जो उपग्रह छोड़ते हैं आकाश में वो हिंदुस्तान से आकर हमारी हेल्प लेकर उनको आकाश में स्थापित करते हैं और हर चीज़ के लिए चाहे वो किसी उनकी सोच इतनी विशाल थी क्योंकि वो बाहर पड़े थे, उनको पता था कि किस किस चीज़ की हमें आज़ादी के बाद आवश्यकता होगी, किस किस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी विकास के लिए। तो उन्होंने उन हर चीज़ के विकास के लिए चाहे वो लोहा हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो एटॉमिक पावर हो, चाहे पढ़ाई लिखाई हो, चाहे हेल्थ की शिक्षा हो, हेल्थ के संसाधन हो, उन्होंने हर चीज़ पर काम किया।